ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत के दावे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने तंज कसते हुए कहा है, सभी को स्वप्न देखने का अधिकार है। अपना जन्मदिन मनाने गृह नगर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री तोमर का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई स्टेशन मौजूद थे। यहाँ पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि स्वप्न देखने का अधिकार सभी को है। निकाय चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने में पिछड़ने में प्रश्न पर जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि कल राज्य चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं, थोड़ी बातचीत बाकी है, जल्द ही महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको, बहुत-बहुत तैयारी है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए? निकाय के पूरी तरह तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और योजना के अनुसार तैयारियों में लगी हुई है। कल राज्य चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है, उसमें लगभग विचार विमर्श हो गया है, कुछ और बातचीत करना शेष है। जल्दी ही टिकट घोषित हो जाएंगे, वार्ड पार्षदों के भी टिकट घोषित हो जाएंगे और महापौर के भी टिकट घोषित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हम सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते इसका प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस करिए 40 साल का रिकॉर्ड तो है चुनाव। हाँ, मतलब स्वप्न देखने का तो अधिकार सभी को है।